खरगोन जिले के बिस्तान थाना क्षेत्र के गांव मेहरघट्टी में सोमवार सुबह एक खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला गांव में शादी समारोह में शामिल होने पहुंची थी। महिला का सिर और चेहरा कुचला हुआ था। संभावना जताई है कि पत्थरों से सिर कुचल कर हत्या की गई है। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने शव जिला अस्पताल PM के लिए पहुँचाया। मृतिका के परिजनों ने दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या की आशंका जताई है। मृतिका के पति सखाराम ने बताया, उसकी पत्नी रूपखेड़ा निवासी चमाईड़ी बाई पड़ोस के गांव में मेहरघट्टी शादी में रविवार को गांव के लोगों के साथ गई थी। इसी दौरान शादी वाले घर से कुछ ही दूरी पर स्थित तुअर के खेत में चमाईड़ी का शव नजर आया। उसका सिर और चेहरा लहूलुहान था, पास में पत्थर पड़े थे। मृतिका के जेठ संतोष ने आरोप लगाया कि उन्हें बलात्कार के बाद हत्या की आशंका है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। घट्टी में शादी थी, शादी में आए थे, शादी में उसके बाद में फिर रात भर रहे शादी में। सबरे पता चला कि भाभी जी घर पे है नहीं, ढूंढने भी गए, ढूंढने के बाद में पता चला कि लाश पड़ी है। वहाँ जाकर देखा तो हमारी भाभी जी की लाश पड़ी हुई थी, पूरी तरह से सर पूरी तरह से पत्थरों से कूच कूच कर ख़त्म कर दिया गया था। और उसके बाद में गहने थे शरीर पे, वो गहने नहीं मिले, 2-2.5 किलो गहने थे, वो गहने कुछ भी नहीं मिले, चांदी के पट्टे थे, हाथ के कड़े थे, वो कुछ नहीं मिले। क्या आशंका लग रही है आपको? हमको तो यही शंका है सर कि किसी ने मार के फेंक दिया उसको और गहने ले गया। कहाँ से कहाँ गए थे ये? शादी में अपने सोनू फकीर के, हम यहाँ घट्टी में शादी में गए थे। कहाँ से आए? ये रुखड़ा से, पास में घुघरा खड़ी काम कर रहे थे, काम पे से आए थे। महिला का चमाड़ी भाई, कितने साल की उम्र है? 35 वर्ष के समथिंग। क्या नाम है आपका? संतोष परमार। घटना हुई सर, ग्राम घट्टी में शादी में गए थे। शादी में वहाँ पर ये घटना हुई है कि रात में मतलब किसी ने, अनजान आदमी ने किसी ने बाहर ले जाकर ने उसको बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में उसको मार दिया और उसके बाद में जो गहने थे वो गहने ले गए। क्या आशंका लग रही है आपको? हमको तो सर, जी सर, पूरी तरह से सर कुचल दिया था और हमको शंका है कि सर किसी ने बलात्कार किया, और बलात्कार करने के बाद में कि घर जाके ये बताए ना, इसीलिए किसी ने मतलब उसके पूरी तरह से सिर फोड़ दिया था। आप लोग कैसे पता चला कि इनकी हत्या हुई है? सर सवेरे फिर बाद में जैसे देखने के लिए गए थे तो ढूंढते ढूंढते गए तो किसी को पता चला कि बोले यहाँ पर किसी की लाश पड़ी है, तो फिर जाके देखा तो पता चला कि हमारी भाभी जी थी। कितनी दूर पड़ी थी शादी वाले घर से? करीबन 300 फीट के समथिंग थी। क्या नाम है? संतोष परमार। भाई साहब, चमाड़ी भाई सखाराम जो तेज सिंह भाई की बहू थी, ये वहाँ पर स्कूल के पास फालिया है, वहाँ पर एक शादी समारोह था। तो शादी समारोह के चार बला अभी वहाँ पर हम सब गए थे, हमारे सरपंच है बालम भाई, ये रुखेड़ा के सरपंच है, इन्होंने मेरे को बताया 8:30 बजे, बोले दादा ऐसी ऐसी घटना घट गई, यहाँ पर कोई महिला के मतलब मर्डर हो गया। तो वैसे वहाँ पर गए तो देखा तो मतलब पूरा मतलब विभत्त मतलब पूरा, और कम से कम 100-200 लोग खड़े थे आसपास, मतलब पूरा सर उसका कुचला हुआ था। क्या लगता है इसमें? इसमें हत्या लगती है, मतलब ऐसा लगा क्योंकि पूरा सर उसका कुचला हुआ था, उसका मुंह जो है स्पॉट पे हम थे, मतलब हमारे मतलब बिस्टान TI तिवारी जी और गोगा TI दोनों को हम सरपंच साहब ने बताया, तो तब तक आए नहीं, सुन लगा मतलब घटना है, मतलब कहीं की भी घटना हो आप आके देखें कि आप बिस्टान थाने की घटना है कि गोगांव थाने की घटना है। तो वो आए और SP साहब को, तो SP साहब भी आ गए थे, तत्पश्चात भिकनगांव से SDP मतलब वो भी घटना स्थल पे आया और उन्होंने मुआयना सब में किया। ये अभी तो कुछ बता नहीं सकते, परंतु जो वहाँ पर घटना है वहाँ घटना के हिसाब से तो जरूर, क्योंकि वो महिला के पास मतलब शादी ब्याह में हमारे जनजातीय समाज से महिला जो आती है तो अपने कहीं भी गहने वहने है ना सब पहन के आती है, तो उसके कुछ गहने वहने जो बता रहे थे मतलब हमारे बंधु लोग कि मतलब उसके गहने वहने भी नहीं है, है ना, कदरा था, बाजूबंद थे, ऐसे नहीं थे। और वहाँ पर जो है ना आसपास के जो मतलब नहीं चोर वोर के वहाँ जैसे मतलब रुमाल वुमाल ये पड़े थे, तो कुछ भी हो सकता है, जांच में पता चले गए। क्या नाम है? बापू सिंह परियार, उपाध्यक्ष जिला पंचायत खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।